हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम चलिए आज पढ़ते हैं डोडोफाइटा के बारे में। तो हमने इससे पहले पढ़ा था साइनोफाइटा के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा डिवीज़न है डोडोफाइटा एल्गा का। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या होता है। दीज आर आल्सो कार्डाइज रेड एल्गा। इनको और क्या कहते हैं? रेड एल्गा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, तो ये एक ऐसा पिगमेंट है जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, रेड एल्गा। ठीक है, मोस्टली ऑल स्पीसीज ऑफ दिस डिवीजन आर मैरीन। मैरीन में समुद्री होती हैं एंड फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। कुछ जो है फ्रेश वाटर में पाए जाएंगी। दिस डिवीजन इज रिप्रेजेंटेड बाई 831 जनरा। इसकी जो है इस डिवीजन को हम लोग कितने जनरा से प्रेजेंट करते हैं, 831 जनरा से। एंड उस जनरा में कितनी स्पीसीज होती हैं टोटल, उसमें जो है कितनी होती हैं, 5285 स्पीसीज। ठीक है, तो ये इतनी स्पीसीज होती हैं इस जनरा में मिला के। ठीक है, आइए जनरल करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसके। तो पहला है मेम्ब्रेन आर मैरीन एंड हैव यूनी एक्सियल थैली। ठीक है, तो यूनी एक्सियल थैली मीन्स हो जाएगा आपका कि जैसे मान लीजिए एक ब्रांच गई है ऊपर। ठीक है ना, एक ब्रांच, तो एक ब्रांच जो मेन ब्रांचेज होगी, ठीक है, वो एक्सिस की तरह काम करेगी और उसी में से अलग अलग ब्रांचेज निकलते जाएंगे, लेकिन उस ब्रांच में से कोई और ब्रांच नहीं निकलेगी। मतलब दूसरी ब्रांच में से और कोई ब्रांच नहीं निकलेगी, जिसको यूनी एक्सियल थैली कहते हैं। मोस्टली यही पाए जाते हैं, लेकिन मल्टी एक्सियल थैली भी इसमें पाई जाती है। ठीक है ना, आगे है सेकंड है आपका मेन पिगमेंट आर फाइको एरिथ्रिन एंड फाइको साइरिन। ठीक है, तो दो ये मेन पिगमेंट है, बहुत कुछ रहता है। थर्ड है पायरेनाइड लाइक बॉडीज अकर इन सम फार्म। ठीक है, कुछ फार्म इसकी ऐसी हैं जिसमें पायरेनाइड बॉडी पाई जाती है। पायरेनाइड बॉडी क्या होती है, कार्बन फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाली एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चैम्बर लाइक। अगला है इसमें फोर्थ है रिजर्व फूड मटेरियल इट सॉलिड पॉलीसेकेराइड कॉल्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक, आउटर सेल वाल इज पेक्टिक एंड इनर इज सेलुलोज। आउटर वाल किसकी होगी, बनी होगी पेक्टिक की, और इनर क्या है, सेलुलोजिक। रिप्रोडक्टिव सेल आर नॉन मोटाइल। जो इसकी रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है। आगे देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किसके थ्रू आता है, ओ गैमस टाइप का होता है। ठीक है, ओ गैमस टाइप का होता है। चलिए इसकी एक स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिंदा कौन सा, पॉलीसिफोनिया थी। तो पॉलीसिफोनिया अगर सिस्टेमिक पोजीशन देखा जाए तो सिस्टेमिक पोजीशन में ये डिवीजन जानी है रोडोफाइटा है, क्लास है रोडोफाइसी और सब क्लास कैसे है फ्लोरिडा। ऑर्डर में किस में आ जाता है ये, और मेडिली, और फैमिली क्या है, रोडो मिलाची। जीनस क्या हो जाएगी, पॉलीसिफेनिया। ठीक है, इस जीनस की लगभग 150 मैरीन समुद्री प्रजातियाँ हैं। ठीक है ना, दिस जीनस हैव अबाउट 150 मैरीन स्पीसीज, मोस्टली आर लिथोफाइटिक। लिथोफाइटिक मीन्स जो क्या होगा, रॉक के ऊपर, मतलब पत्थर के ऊपर जो स्पीसीज की पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे, लिथोफाइटिक। एंड सम आर एपीफाइटिक, मतलब एक दूसरे प्लांट के ऊपर। ठीक है ना, दूसरे प्लांट के ऊपर जो पाई जाएगी वो क्या होगी, एपीफाइटिक होगी। ठीक है, तो ये दोनों समझ चुके हैं आप कि लिथोफाइटिक और एपीफाइटिक होंगे। इंडिया, हमारे इंडिया में लगभग 16 स्पीसीज आर फाउंड ऑन दी साउदर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। साउदर्न और वेस्टर्न कोस्ट में कितनी स्पीसीज पाई जाएंगी, 16 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो अगले वीडियो में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आई होप कि ये पूरा आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे हमने जो आपसे बात की थी अभी, यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल थैलीस का मीन्स, उसमें क्या होता है ना कि आपका जो है ये यूनी एक्सियल मीन्स हो जाता है आपका कि जैसे ये समझिए आपको। ठीक है, ये मान लीजिए मेन प्लांट है। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से ब्रांचेज निकलते हैं साइड साइड। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद मल्टी एक्सेल में क्या होगा, जैसे ये मेन एक्सिस है, फिर वहाँ से ऐसे गया, फिर वहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से गया, इसमें से
इसमें से ब्रांचेज, ये मतलब साइड में भी ब्रांचेज निकल रही हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही ब्रांचेज हैं, ठीक है, ऐसे निकलती आ रही हैं ब्रांचेज। ये हो जाएगा मल्टी एक्सियल थ्योरी, ठीक है। तो हम आप अच्छी तरीके से इसको समझ चुके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हम जो है मेरा चैनल ऐसे ही देखते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।